सभी जानते हैं कि नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है, इसे नेवल भी कहा जाता है। नाभि में रोजाना तेल लगाने से कई प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है और कई प्रकार के फायदे भी होते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम नाभि में तेल लगाने से होने वाले फायदे के बारे में आपको बताएंगे। रोजाना सोते वक्त सिर्फ दो बूंदे नाभि में डालने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नाभि में रोजाना तेल डालने से बाल तो काले होते हैं, साथ में ये पूरे शरीर का कायाकल्प कर देता है। नाभि में सोते वक्त दो बूंदे नारियल तेल के डालने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। त्वचा जवान और निखरी बनी रहती है और लंबे समय तक जवानी का एहसास रहता है। दोस्तों, नाभि शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें शरीर को सेहतमंद रखने के लिए और सुंदरता बढ़ाने का राज छुपा होता है। यह त्वचा, प्रजनन, आंखों और मस्तिष्क के लिए अत्यंत उपयोगी भी होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा अंग होता है जहां एम्ब्रिकल कॉर्ड की मदद से बच्चे को पोषक तत्व मिलता है। नाभि के आसपास कई प्रकार की तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, इसलिए जब आप नाभि पर तेल लगाते हैं तो इससे आंतरिक अंगों को फायदा मिलता है और शरीर को स्वस्थ रखने में काफी सहायता मिलती है। दोस्तों, रोजाना नाभि में तेल लगाने से फटे हुए होंठ नरम हो जाते हैं और गुलाबी बन जाते हैं। इससे आंखों की जलन, खुजली और सूखापन दूर होता है। अगर शरीर में किसी भी हिस्से में सूजन की समस्या होती है तो ये भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर चेहरे से जुड़ी समस्या रहती है जैसे कि पिंपल्स, दाग धब्बे, तो ऐसे में आपको सरसों का तेल नाभि में लगाना चाहिए। इससे दाग धब्बे और पिंपल्स मिट जाते हैं और चेहरे की रंगत बढ़ जाती है। इसके अलावा सरसों का तेल नाभि पर लगाने से घुटनों का दर्द ठीक होता है। इससे पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। दोस्तों, अगर आप बादाम का तेल नाभि पर लगाते हैं तो त्वचा की रंगत निखर जाती है। ये तेल आपकी अपच, फूड पॉइजनिंग, दस्त, मतली जैसी बीमारियों दूर करता है। दोस्तों, बादाम का तेल एक ऐसा तेल है जिसे रोजाना नाभि पर लगाने से दिमाग तेज बनता है और भूलने की बीमारी भी दूर होती है। इसके अलावा पेट में दर्द रहने की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप देसी घी नाभि पर लगाते हैं और मसाज करते हैं तो आंखों से जुड़ी परेशानियां दूर होती है और आंखों की चमक बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप मुहासे की समस्या से परेशान हैं तो आप नीम का तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, नाभि प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई होती है, इसलिए नाभि में रोजाना तेल लगाने से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप पेट से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, बार बार कब्ज हो रहा हो, तो ऐसे में सरसों के तेल में थोड़ा सा अदरक मिलाकर उबालें और इस तेल को ठंडा होने के बाद नाभि में लगाकर आसपास में मसाज करें। इससे पेट से जुड़ी सारी गड़बड़ियाँ दूर होती है और बवासीर में भी फायदा होता है। अगर महिलाएं नारियल तेल रोजाना नाभि में लगाती है तो महिलाओं में हार्मोन संतुलित हो जाते हैं। दोस्तों, ये तेल पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी दूर करता है। दोस्तों, महिलाओं में पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द की समस्याएं होती है, तो ऐसे में रुई के पोहे में थोड़ी सी ब्रांडी लगाकर नाभि में लगाने से यह दर्द तुरंत खत्म होता है। नाभि में सोते वक्त दो बूंदे नारियल तेल के डालने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। त्वचा जवान और निखरी बनी रहती है और लंबे समय तक जवानी का एहसास रहता है। दोस्तों, नारियल तेल फर्टिलिटी में सुधार करने में काफ़ी मददगार होता है, साथ ही यह बेली फैट को भी कम करता है। इससे पेट फूलने की समस्या भी दूर होती है। इससे आंखों के शुष्क होने की समस्या दूर होती है और दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो ऐसे में कैस्टर ऑयल नाभि पर लगाएं। अरंडी का तेल नाभि पर लगाने से बाल मजबूत बनते हैं, ग्रोथ बढ़ता है। इससे बालों से जुड़ी परेशानी दूर होती है। दोस्तों, जहां इसके इतने सारे आश्चर्यजनक और चमत्कारिक फायदे हैं, वहीं इसकी सावधानियां भी है। गर्भवती महिलाएं, अल्सर और हर्निया के मरीज नाभि पर तेल लगाने का नुस्खा न करें।